भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आने वाली 20 नवंबर से गोवा में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में फिल्म महोत्सव से जुड़े अहम आकर्षणों की घोषणा की। फिल्म महोत्सव 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। 20 से 28 नवंबर 2021 जब दुनिया भर के सिने प्रेमियों की निगाहें होंगी भारत पर, क्योंकि भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में शुमार गोवा में आगाज होगा भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का। इसी 2021 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कोरोना की तमाम चुनौतियों का कड़ाई से मुकाबला करते हुए इस बार का इफ्फी बेहद खास और अब तक के सबसे यादगार महोत्सवों में से एक होने वाला है। कई ऐसे खंड और पहल होने वाली हैं जो इफ्फी के इतिहास में पहली बार होंगी। 52वें इफ्फी में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दुनिया के दो बेहतरीन निर्देशकों को सम्मानित किया जाएगा। विश्व के महानतम निर्देशकों में शामिल मार्टिन स्कोरसेसी और हंगरी के अक्लेम्ड डायरेक्टर ऑस्कर विजेता इस्तवान साजबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। भारत मना रहा है स्वतंत्रता का 75वां वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव। इसलिए पहली बार पूरे देश से 75 रचनात्मक युवाओं को मौका दिया जा रहा है इफ्फी के मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का, इफ्फी में शिरकत कर रहे दिग्गजों से रूबरू होने का। ज्यूरी, निर्देशन, पटकथा, लेखन, अभिनय जैसे 7 क्षेत्रों के पैमाने पर उन्हें परखेगी और उनका चयन किया जाएगा। युवाओं के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। आइए इफ्फी में भाग लीजिए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उभरती हुई प्रतिभाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों से लेकर राष्ट्रीय फिल्मों को वहां पर दिखाने का मौका मिलता है, रीजनल फिल्मों को दिखाने का मौका मिलता है। अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो दिखाया जाता है वो भी इस बार इफ्फी पर आपको देखने को मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, एक मौका है एक ऐसे 75 युवा क्रिएटिव माइंड्स को भी आगे आने का, जो अप्लाई कर सकते हैं, जिनको चिन्हित किया जाएगा और उनको अवसर मिलेगा इंडस्ट्री लीडर से मिलने का वहां पर और मास्टर क्लास अटेंड करने का। तो आइए जुड़िए इस बार के इफ्फी से, अगर आप में है तब तो बढ़ाव करें। इफ्फी के साथ साथ ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। इस बार इफ्फी में 5 फोकस देश हैं, ब्राजील, रूस, चीन, भारत और साउथ अफ्रीका। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शुमार इफ्फी के 52वें संस्करण को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद इसके आकर्षण में जरा भी कमी नहीं आई है और विश्व भर से फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और सिने प्रेमी बेताब हैं एक बार फिर इफ्फी का हिस्सा बनने के लिए। जया सिन्हा, DD News, दिल्ली।